गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राधे राधे राधे। तो हम लोगों का लास्ट कल जो हम लोग आए थे उसके बाद तो नींद एकदम भयंकर वाला नींद हो गया था, तो ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट मतलब हम लोग क्लोजिंग नहीं कर पाए। तो आज है लास्ट डे और नेक्स्ट डे यहाँ पर हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके कुछ ही टाइम पे चेकआउट कर देंगे। तो फिर प्लान हो रहा था कि नेक्स्ट टाइम अब कब आना है, क्योंकि मथुरा हम लोगों का अभी भी पेंडिंग रह गया है। तो वृंदावन हमने घूम लिया, दो दिन में पॉसिबल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना सारा जगह है, जैसे जो मथुरा में है रमन की रमन रेती है हाँ, वो तो हमारे दिमाग से स्किप हो गया था। तो यहाँ पर मथुरा में इनका एक स्टूडेंट है रमेंदर, हाँ। तो उनके साथ कल शाम को जब बात हुआ तब पता लगा कि हाँ ये बहुत बहुत सारा है। तो रमेंदर ने बोला कि सर ऐसा कीजिए, अभी आज के हम सोच रहे थे ना कि आज जब हम यहाँ से चेकआउट करेंगे तो दो तीन घंटे में घूम के फिर चले जाएंगे। तो रविंद्र ने बोला सर ये मत कीजिए क्योंकि उसमें हड़बड़ी हो जाएगा और आप ना आराम से चीज को फील नहीं कर पाओगे। हाँ, तो उससे बेटर है कि आज आप दिल्ली रिटर्न हो जाइए, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है तो हम स्टे नहीं कर पाएंगे। स्कूल ना होता तो हम एक्सटेंड कर लेते, क्योंकि हम कंट्री हॉलीडेज के तरफ से आए हैं, तो हम क्योंकि हमने अपना नाइट्स ही कटवाना है, तो हम अगर बोल देते तो नाइट्स और दो कटवा देते, कोई बात नहीं, हम रह सकते थे। लेकिन बात यह है ना, स्कूल है तो हम एब्सेंट नहीं कर सकते, तो आज हमें निकल जाना है, फिर कभी आएंगे मथुरा घूमने के लिए। पास में ही है, 2-2.5 घंटे लगते हैं ड्राइव करके, आराम से आ जाएंगे। तो वृंदावन तो घूमना हो गया, देखिए वृंदावन तो बार बार आएंगे, बाकी बिहारी जी को देखने तो बार बार आएंगे, लेकिन ये जो है ना एकदम फर्स्ट टाइम आए थे वृंदावन, बहुत अच्छे से घूम लिया। अब मथुरा आएंगे बहुत ही जल्दी आप लोगों को साथ में लेके। तो चलिए फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, आज का यहाँ का लास्ट ब्रेकफास्ट, और फिर निकल जाते हैं रेडी वगैरह होके। मेरी चिंपू बेड के ऊपर जब रहती है ना, तो वो उसका आधा जैसे मंकी जैसा, हाँ, हाँ, कर रही है। मतलब मतलब यहाँ पर मंकी को देख के उनका भी वैसे ही है। नहीं, वो रूम में भी ऐसा, यहाँ मंकी के साथ तो उसका फ्रेंडशिप हो गया, उसकी गोदी में चढ़ गई थी मंकी। यहाँ मंकीज का फ्रेंड्स ऐसा है ना कि वो टोपी ले लेंगे, मोबाइल तो मैंने देखा नहीं किसी का लेते हुए, लेकिन सनसेट में टोपी बहुत रखा था, तो जैसे फ्रूटी ऐसे देता है, तो एक हाथ में फ्रूटी लेके एक हाथ से टोपी छोड़ देते। मतलब टोपी चश्मा और ये टोपी चश्मा पर्स और मोबाइल, ये चार चीज संभाल के। आप लोग भी जब आओ ना, तो ज्यादातर ये बाके बिहारी मंदिर जो जाने का जो रास्ता है वहां पर बहुत संभाल के जाना है, मतलब बिल्कुल नहीं। छीन लिया। तो चलिए दिल्ली के मुकाबले अगर देखूं तो ठंड इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम रजाई के अंदर थे तो बाहर निकलने के बाद थोड़ा लगता है, लेकिन दिल्ली में इससे ज्यादा ठंड है, यहाँ पर इतना नहीं है। क्राउड बहुत ज्यादा है हर एक मंदिर में ना, कल इस्कॉन में भी गए थे, आप लोगों को आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगा है। इस्कॉन का जो माहौल होता है ना वो अलग ही होता है हर जगह का, और वहां पर फॉरिनर्स का बहुत भीड़ रहता है। तो ठीक है, बस ब्रेकफास्ट करते हैं अब, है ना, और निकलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते रहेंगे रास्ते भी। आज आगे हमें पैकिंग भी करना है, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। चलिए हो गया ब्रेकफास्ट फर्स्ट क्लास वाला। हमारे लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटा टाइम बचा है पैकिंग करके निकलने के लिए, नहीं तो फिर वो बोलेंगे आप लोग चले जाओ सामान यहीं छोड़। तो बच्चे पैकिंग करना, चिंपू ने स्टार्ट कर दिया अपना छोटे से बैग में पैकिंग करना। वो एक्साइटेड रहती है, और कहीं जाने के टाइम, मतलब आने के टाइम भी एक्साइटेड, जाने के टाइम भी एक्साइटेड, ये बहुत टाइम एक्साइटेड। हां ये बहुत बढ़िया, पांडा। ठीक है चलिए फिर, बढ़िया ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, आप पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बैक टू दिल्ली। सो बाय बाय, बहुत ही जल्दी फिर मिलेंगे कहीं और। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, निकलने का टाइम हो गया है। चलिए भैया भी आ गए। चलिए चल लो। चाबी अपने लिए रहने देना। अच्छा चाबी छोड़ देता हूँ। बाय बाय। पुनम कुछ Thank you.
गाड़ी में रख दिया है सामान, और आज फिर देखते बनाना वगैरह मंकी को अगर खिलाने का मौका मिला तो है, तो देखते मंकी है कि नहीं, ये मंकी तो मिल ही जाएगा। किसको खिलाना है ये मंकी? बहुत डर गया, मंकी यहाँ नहीं दिखा अभी फिलहाल, तो चलिए चलते हैं कहीं और रास्ता। अगर मंकी नहीं दिखा ना तो आपको ही सारे केले खाने पड़ेंगे। हाँ, ये गेंडा सिम्बा जी यहीं पर है। चलो 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 चलो। हम लोग आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे, दिल्ली जा रहे हैं। सोचा था आज कंस किला और ये द्वारकाधीश वगैरह घूम लेते, बट हुआ नहीं क्योंकि रोड उधर ब्लॉक्ड है, और ऐसे भी संडे आज तो ऐसे भी रोड ब्लॉक्ड ही रहता है वहां पर। तो सोचा कि नहीं, अच्छा डिसीजन यही होगा, बैक टू दिल्ली। तो ये मैडम ने ये बीच में लिया था, हर जगह इनका रहता है ये दो पैकेट, तो खत्म हो गया, ये लास्ट पीस शायद बचा हुआ है। टोल था जो फर्स्ट टोल हमें मिला है वही पर, हाँ फर्स्ट टोल के वहां पर। फिंगर चिप्स, और यहाँ पर मैं अपनी बहन के साथ बात करके टाइम पास कर रही हूँ। और हमारे मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही घुमाते रहो ना इधर ना उधर, सीधा देखो और ऐसे घुमा। चलिए हम लोग गलत रास्ते में चले गए थे उधर वाले में, तो यू टर्न आप समझ सकते हो कि आपके हाईवे पे यू टर्न करके कुछ नहीं होता, बट उसी में धीरे धीरे से घुमा के, डिस्प्ले लो डिस्प्ले घुमा के फिर यहाँ पर आए। अब एकदम साफ रास्ता आगे, दिल्ली का बोर्ड दिख रहा है दिल्ली, और यहाँ से कितना किलोमीटर लगभग अभी मैप मेरा बंद हो गया है, अप्रोक्सीमेटली लगभग वही 70-80 किलोमीटर अभी भी है, मतलब अभी लगभग डेढ़ घंटे के आसपास है अभी, डेढ़ घंटा अभी भी है। तो चलिए पानी का बॉटल, तो चलते हैं पर, है ना, पहुंच जाएंगे 2-2.5 बजे तक। खाना क्या खाएंगे अभी नहीं, खाना क्या खाएंगे देखते, बीच में ढाबा अगर मिल जाता है। ढाबा सब तो निकल गया उधर से, चिप्स विप्स का दुकान होगा अभी सामने, अभी तो हाईवे बहुत बड़ा बड़ा ढाबा है आगे, पता नहीं बाबा ढाबा, गुलशन ढाबा, बहुत सारा ढाबा। नहीं हमें तो चिप्स खाना है, चिप्स का ढाबा नहीं है। चलिए चलते फिर। सब पहुंच गए अपने घर पे। तो अभी गाड़ी में ही है, बोलने का स्टाइल देखिए, पहुंच गए अपने घर पे। तो अभी अब फिर काम वगैरह फिर चालू होगा, अब अपना छुट्टी हो गया 3-4 दिन, अब जोरों शोरों से काम स्टार्ट होगा, और घर पे आने के बाद ही कहेंगे जब आने के बाद ही खाने का टेंशन, अब होटल में तो है नहीं, हम ये खाना तुरंत ही मिल जाए। तो ये रहा अंडा और दूध, अभी जाके वही उसको क्या कहते हैं, आलू भाते भात, डिम सिद्ध, डाल सिद्ध, आलू सिद्ध भात करबो अमी। तो चलिए फिर छुट्टी के वो से क्या बोलते हैं उसको, पर्दे से अब हटाते हैं और काम के उस काम पे लग जाते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी।